हॉस्पिटल्स का इट्स अगेन एज आई सेड बहुत खराब सिचुएशन है यहाँ पे. टेस्ट हो गए हैं, रिपोर्ट्स आ गई हैं. नाउ जब तक डॉक्टर आपको चेकअप नहीं करेगा यू कांट लीव द हॉस्पिटल. तो अनदर टू टू थ्री आवर्स हम लोग सिर्फ डॉक्टर का वेट कर रहे थे. एनी मेडिकेशन उन्होंने मेरी फ्रेंड को कोई प्रिस्क्रिप्शन कोई मेडिकेशन कुछ भी नहीं दिया. बोला टाइलेनॉल ले लेना और अगर कुछ नहीं लगता है तो फिर दो दिन बाद वापस आ जाना. हमारी एक्चुअली आदत भी वही होती है राइट. हमें जरा सा पेन होता है हम तुरंत पेन किलर ले लेते हैं और हमें ऐसा होता है कि हाफ एन आवर में हमारा पेन ठीक हो जाए. बट यहाँ पे वैसा कॉन्सेप्ट नहीं है. यहाँ पे डॉक्टर्स जो होते हैं बिना मतलब के आपको कोई मेडिकेशंस नहीं देंगे. तो दैट इज अनदर आई वुड से डार्क साइड ऑफ कनाडा व्हिच नॉट मेनी पीपल नो. बट जब आप खुद यहाँ पे देखते हो तो आपको पता चलता है समबडी हु इज विलिंग टू डू द हार्ड वर्क हु इज विलिंग टू डू दिस जर्नी तो डेफिनेटली यहाँ पे आना चाहिए. सो हाई गाइज वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ मीनाक्स पॉडकास्ट. और आज के पॉडकास्ट में हम लोग बात करेंगे ऑफ अ गर्ल हुज जर्नी इज फ्रॉम स्टूडेंट टू पीआर. उनके एक्सपीरियंसेस कैसे थे और बहुत सारी बातें जो कनाडा पे फोकस होंगी. सो हियर वी हैव प्रांजलि खंडेलवाल विद अस. सो हाउ आर यू फीलिंग, कैसा रहा सब कुछ, जर्नी कैसी रही, हमें सब कुछ जानना आज. ग्रेट, आई एम फीलिंग गुड, वेरी एक्साइटेड. मेरी जर्नी काफी अच्छी रही है आई वुड से. मैं थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड दे देती हूँ कि मैं कहाँ से आती हूँ एंड हाउ डिड आई लैंड अप हियर इन कनाडा. तो आई एम फ्रॉम इंडिया. मैं एक आई एम कमिंग फ्रॉम अ एजुकेशन सिटी फ्रॉम राजस्थान. सो मैं कोटा राजस्थान से हूँ. मेरी स्कूलिंग पूरी वहीं से हुई है. आफ्टर 12th आई लेफ्ट कोटा एंड देन आई मूव टू देहरादून फॉर माय बैचलर्स. मैंने इंजीनियरिंग करी, 4 साल में देहरादून रही. उसके बाद फिर मेरी जॉब लग गई तो मैं हैव बीन टू डिफरेंट प्लेसेस. आई लिव्ड इन गुजरात, आई लिव्ड इन दिल्ली फॉर क्वाइट सम टाइम. देन मुझे हमेशा से ऐसा था कि मुझे मास्टर्स करना है और मुझे हमेशा से ऐसा था कि मुझे बाहर से मास्टर्स करना है. तो दैट्स हाउ आई डिसाइडेड टू मूव टू कनाडा फॉर माई फर्दर स्टडीज. जब मैं डिसाइड कर रही थी कि मुझे जाना है, वंस यू स्टार्ट अर्निंग मनी यू आपको ऐसा लगता है कि ओके अभी आप नेक्स्ट स्टेप पे जब आप जा रहे हो अपनी लाइफ के. तो मुझे भी ऐसा था कि मुझे सब कुछ, स्पेशली अगर मुझे मास्टर्स करना है तो मुझे वो खुद से करना है. मुझे फाइनेंशियल हेल्प नहीं लेनी थी. तो इट टुक मी 3 years टू बी इन दैट सिचुएशन सो दैट आई कैन फंड माई सेल्फ फॉर माई एजुकेशन. ऑफकोर्स मैंने एजुकेशन लोन लिया था इंडिया से फॉर माई मास्टर्स डिग्री. बट मेरे पास कुछ सेविंग्स भी थी तो 3 साल मुझे वो सेविंग्स में और वहां तक पहुंचने में पूरा डिसाइड करने में लग गया कि मुझे आई वॉन्टेड टू बिल्ड अ रोड मैप फॉर माई सेल्फ ताकि मुझे आगे जाके मेरे लिए आगे नेक्स्ट 5 years थोड़ी इजी हो जाए. तो तुमने मतलब अपनी सेविंग्स भी की और एजुकेशन लोन भी लिया. यस. और तुमने लाइक तुम्हारा क्या पूरी टोटल फीस क्या थी और तुमने कोर्स कैसे सेलेक्ट करा और कॉलेज कौन सा था, तो तुम थोड़ा अगर उसका बैकग्राउंड दे सकते हो तो. श्योर. तो मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आती हूँ. आई हैव ऑलवेज बीन वेरी गुड इनटू मैनेजमेंट एंड मैंने स्कूलिंग में भी बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स खेला है. तो आई हैव ऑलवेज बीन इनटू दैट लीडरशिप काइंड ऑफ अ थिंग. तो मुझे हमेशा से ऐसा था कि मुझे कोई मैनेजमेंट कोर्स ही लेना है. तो माई फर्स्ट चॉइस वॉज ऑफकोर्स MBA. बट बिकॉज इट वॉज कॉस्टिंग मी अ हेल लॉट ऑफ मनी सो आई थॉट कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन. तो मैंने दैट्स हाउ आई चोज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. फिर मैंने कनाडा में जॉर्जियन कॉलेज में मुझे एडमिशन मिला. आई अप्लाई टू डिफरेंट यूनिवर्सिटीज एज वेल बट आउट ऑफ ऑल दिस आई चोजन टू कम टू जॉर्जियन कॉलेज व्हिच इज इन बैरी. तो दैट्स हाउ आई केम हियर. फिर ये लोन जैसे 25 lakhs अब उस टाइम पे कैसा लग रहा था कि इतने पैसे ले तो नहीं है, अब ये वर्थ इट है या नहीं, और इन पैसों को दोबारा से तुम्हें रीपे भी करना विद इंटरेस्ट, ऐसे भी नहीं कि तुम्हें सेम अमाउंट देना है. यस. सो तुमने प्लान कैसे करा एंड तुमने अभी एजुकेशन लोन तुम्हारा अभी क्या स्टेटस है उसका? तो मेरा एजुकेशन लोन थैंकफुली पूरा हो चुका है. ओह दैट्स ग्रेट. सो इट वाज दैट्स व्हाई आई सेड कि काफी लर्निंग और फ्रूटफुल जर्नी रही है. एंड ऑफकोर्स मैं मानती हूँ कि मैंने मेहनत भी बहुत की है पर कहीं ना कहीं लक भी था मेरा कि मेरे लिए चीजें एक के बाद एक स्टेप अपने आप ऑप्शंस खुलते चले गए. तो मैंने 3.5 साल ऑलमोस्ट इंडिया में भी जॉब किया था विच रियली हेल्प्ड मी हियर इन कनाडा. तो एज सून एज आई लैंडेड अप हियर विद इन लाइक 20 डेज मुझे मेरा फर्स्ट जॉब मिल गया था. ओके. सो इट वाज बिकॉज़ ऑफ द एक्सपीरियंस दैट यू हैड इन इंडिया.
तो वो काफी मैटर करा इस प्रोसेस में। बहुत मैटर किया। मैंने कुछ और जॉब्स भी की थी विच वॉज लाइक मैंने सिर्फ 20 days वो जॉब की थी बट देन मुझे रियलाइज हो गया कि मैं ये जॉब करने के लिए तो नहीं आई हूँ। ओके, लाइक फैक्ट्री शिफ्ट है और ये सब था। तो मैं एक बेकरी में जॉब करती थी, वो मैं 20-25 days मैंने वहाँ पे जॉब करी थी। ये तो यार सही, सारे स्टूडेंट्स भाई एक रिलेट कर सकते हैं। बिकॉज जब बंदा नया कनाडा आता था ऑब्वियसली वो थोड़ा सा इन चीजों पे जाता है, बट हाँ कई लोगों की जॉब लग जाती है पहले से, बट स्टार्टिंग में तो मुझे लगता है कि चलो यार पर आवर के हम आपको डॉलर्स मिल रहे तो स्टार्ट कर लेते हैं। बट सीरियसली यार सो लकी कि तुम्हें 20 डेज में ही तुम्हें फुल टाइम जॉब वो मिल गई जो तुम्हारी फील्ड की थी। और जो इट वाज अ कॉर्पोरेट जॉब, कैसे था मतलब क्या सीन था वो? जी वो मेरी कॉर्पोरेट जॉब थी, तो मैंने 20 डेज अराउंड मैंने वो बेकरी में जॉब किया, बट देन मुझे रियलाइज हो गया बिकॉज मेरा हमेशा से मोटिव था कि मुझे पढ़ाई करनी है। आई वॉन्टेड टू बिकम अ वेरी गुड इंटू मैनेजमेंट, जो भी मैंने कोर्स चूज किया था, राइट? तो बिकॉज ऑफ दैट जॉब मैं मेरी पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रही थी। मतलब मैं बहुत टायर्ड हो जाती थी, इट वॉज लाइक 8-hour शिफ्ट एंड कंटिन्यूसली हैड टू स्टैंड एंड देन डू द जॉब। सही में भी जितने भी लोग देख रहे होंगे ना सबको वो फील हो रहा होगा अंदर से, बिकॉज सीरियसली ऐसा होता है कि यार इतनी चीजें हो जाती है, तुम्हें जॉब भी करनी है, तुम्हें पढ़ाई भी करनी है, तुम्हें असाइनमेंट्स भी करने हैं, तुम्हें खाना भी बनाना है, बर्तन भी धोने हैं, रूममेट से भी लड़ना है, सारी चीजें करनी है। मैनेज करते 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 पता नहीं लगता और सारी चीजें हो भी जाती है। Exactly. ऐसा भी नहीं कि हो नहीं सकती, हो भी जाती है और धीरे 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 बंदा यूज टू हो जाता है। लाइक स्टार्टिंग में थोड़ा सा अजीब लगता है, बट इतना यूज टू हो जाता है कि अब ऐसे लगता है यार 2-3-4 साल ऐसे भी जाते हैं पता ही नहीं लगता। पता नहीं चलता। और मेरे भी ऑलमोस्ट 3 साल अभी मैं जून में कंप्लीट कर दूंगी, सो इट्स लाइक 3 years जर्नी। और फिर आगे कैसा रहा? लाइक फिर तुमने अब तुम्हारे स्टडीज हो गई थी, एजुकेशन लोन भी हो गया, जॉब चल रही है, देन हाउ डिड यू लैंड अप लाइक पीआर, कैसे सारा इसका सीन कैसे करा? तो December 21 में मेरी पढ़ाई खत्म हो गई थी एंड जनवरी में जैसे मेरी ट्रांसक्रिप्ट्स वगैरह आई कॉलेज से, मैंने जनवरी 2022 में मेरा वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर दिया था। तो जैसे मैंने अप्लाई किया स्टार्टेड वर्किंग अगेन विद द सेम कंपनी। ओके, बट मेरे साथ एक बहुत अच्छी चीज ये हो गई, जनरली वर्क परमिट अप्रूव होने में 3-4 months लग जाते हैं, मेरा वर्क परमिट आया था अराउंड 6-6.5 months के बाद। तो बिकॉज मेरा एक ही साल का कोर्स था तो मुझे वर्क परमिट एक ही साल का मिलने वाला था, बट आई गॉट एक्स्ट्रा 6 months क्योंकि मेरा जब तक वर्क परमिट, क्योंकि जब वर्क परमिट आता है तभी आपका टाइम जो वर्क परमिट का होता है वो स्टार्ट होता है। ओके ओके, जो तुम्हें लाइक लास्ट डेट मिलती है तुम्हारी वो स्टार्ट हो जाती है। ओके, तो मेरे 6 months और 1 year पूरा वर्क परमिट का, तो मुझे अराउंड इतना टाइम मिल गया था एक्सपीरियंस करने के लिए टू गेट एलिजिबल फॉर PR। ओके, सो विद इन लाइक 9 months में मेरा एक्सपीरियंस खत्म, लाइक एक्सपीरियंस पूरा हो गया था क्योंकि day 1 से ही मुझे नॉक बी जॉब मिल गई थी, तो मेरा एक्सपीरियंस अच्छे से काउंट हो गया था, देन आई गॉट एलिजिबल फॉर PR। तो मेरा 9 months में कैसे? आई थिंक बिकॉज़ तो 12 months होते हैं ना कि तुम्हें फुल टाइम काम करना होता, तो जनरली यहाँ पे ऐसा है कि जब आप एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल अपना बनाते हो तो आप 11th month में आप अप्लाई कर सकते हो, तो जनवरी से तो मेरे पास एक्स्ट्रा 6 months ऑलरेडी थे। ओके ओके, तुम पहले से जॉब कर ही रहे थे उस टाइम पे? तो मैं पहले से जॉब भी कर रही थी अप्लाई स्टेटस पे, वर्क परमिट का अप्लाई स्टेटस। और एक चीज ये भी होती है कि जब आप पार्ट टाइम जॉब करते हो एंड एक्सप्रेस एंट्री में ऐसा है कि पार्ट टाइम जॉब अगर आपके पास नॉक भी कैटेगरी का है तो थोड़ा टाइम आपका वो थोड़ा सा जो टाइम पीरियड होता है वो लोग वो भी काउंट करते हैं। That is counted as well. तो a little bit of I think time वो भी काउंट हो गया था, तो मेरा 11 मंथ्स में लाइक आई वॉज एलिजिबल। तो जो आपका GC की अकाउंट होता है उसमें चेक कर सकते हो, तो मैंने जब मेरे 11 मंथ्स कंप्लीट हो गए थे आई चेक और मुझे उसमें देख गया था आई एम एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एक्सप्रेस एंट्री। ओके ओके, और फिर तुम्हारे लाइक पॉइंट्स वगैरह जो उस टाइम पे ड्रॉ निकला था तुम्हारा मीट हो गया था एंड यू वर गुड टू गो फॉर योर पीआर। नाइस, तो तुम्हारे को लाइक तुम्हारे तुम्हारे एक साल के कोर्स में भी देख सकते वर्क परमिट पे यू एंडेड अप गेटिंग अ पीआर। यस, एंड मेरे साथ बहुत अच्छी चीज ये हुई थी कि जस्ट बीच में ड्रॉज आना बंद हो गए थे बट एज सून एज आई अप्लाइड विद इन 15 days मेरा ड्रॉ में मेरा फाइल पिक हो गया था। तो दैट वाज ग्रेट। आई हैव नोन बहुत लोगों को मैं जानती हूँ जिन्होंने 6-6 महीने से 1-1 साल से अपना एक्सप्रेस एंट्री में डाला हुआ है बट उनका अभी तक भी PR नहीं हुआ है। इमिग्रेंट्स का ना वो होता है कि नाम यहाँ के रहते हैं, नाम यहाँ के रहते हैं, इंडिया जाओ तो वो भी अच्छा लगता है बट थोड़ा टाइम बाद ऐसा लगता है कि अपनी चीजें चल रही है वहाँ का भी देखना है। हाँ। जब यहाँ पे आओ तो ऐसा लगता है कि यार इंडिया में तो सब कुछ अच्छा ही था, यहाँ क्यों आए हैं। yes. तो ये चीज तो आई थिंक सबके साथ है, ये हर बंदे जिससे मैं बात करता हूँ वो बंदा ये बात बोलता है। तो चलो यार PR सारा बढ़िया सीन हो गया, एजुकेशन लोन भी हो गया, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो आगे क्या आप सिटीजनशिप लेनी है या फिर इंडिया की ही सिटीजनशिप रखनी है? बिकॉज ड्यूअल सिटीजनशिप का तो सीन पता ही है सबको, क्योंकि या तो तुम इंडिया के रख सकते हो या किसी और कंट्री के, तो तुमने क्या सोचा इसमें?
ऑनेस्टली मैंने अभी कुछ नहीं सोचा है. सिटीजनशिप इज स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो, सो आई एम टेकिंग वन डे एट अ टाइम. ऑफकोर्स आप जहाँ बॉर्न एंड ब्रॉटअप होते हो, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गिव दैट पासपोर्ट टू अनदर कंट्री की नहीं अभी मुझे नहीं चाहिए. बोलते सब है बट भाई एंड डे में ले ही लेते हैं जब वो 2.5-3 साल पूरे होते हैं ना. आई नो अभी ऑफकोर्स कैनेडियन पासपोर्ट इतना स्ट्रॉन्ग है तो उसके अपने प्रोज है, बट जब आप हिंदुस्तान से आप आए हो तो वो देने में तो जान जाती है ना. भाई भाई इंडिया धरती माँ है हमारी भाई. हाँ. वो एक वो भी आता है सीरियसली, वो भी एक डिसीजन लेना ना, एक पेट्रोटिज्म भी आता है साथ में. हर बंदा ये बोलता है कि यार कनाडा के पासपोर्ट से ना लाइक यू कैन ट्रैवल लॉट ऑफ कंट्रीज, यहाँ जा सकते हो वो जा सकते हो, तो लाइक इसके बीच में तुम्हें क्या चाहिए, ये भी अगेन एक बहुत बड़ा डिसीजन है कि तुम क्या चाहते हो. बिकॉज फिर तुम्हारे इंडिया की पासपोर्ट हो गया, बट हाँ वो अलग बात है कि तुम इंडिया का एक ई वीजा जो होता है लाइक आई डोंट नो द टर्म ऑफ दैट, दैट इज कॉल्ड OCI. ओह यस यस यस. अगर आपको दोबारा इंडियन सिटीजनशिप लेनी है देन इट्स अनदर प्रोसेस, लाइक ऑफ कोर्स अगर आपको करना है तो, बट दैट इज लाइक ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया. हाँ मैंने सुना है उसका. ओके सही है बढ़िया यार, अच्छी बात है क्योंकि मैं खुद ऐसे में भी ज्यादा प्लान नहीं बनाता. अभी तो ये कि धीरे धीरे चलो जो होगा फिर देखी जाएगी, बट हाँ सिटीजनशिप का तो भाई मेरे को भी वैसा लगता है कि चलो मैं बोलती नहीं मैं क्यों बोलो अपना क्यों देखो. और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत चीजें ऐसी होती है कि आप सोच के कुछ और आते हो, पर जब रियल लाइफ में आपको एक्सपीरियंसेस मिलते हैं तो यू टेक दैट एंड आप उसी हिसाब से फिर उस पर रिएक्ट करते हो. एग्जैक्टली ये तो भाई लिख के चलो मेरे से, जितने भी लोग कनाडा ऑस्ट्रेलिया यूएस अमेरिका तुम कोई सी भी कंट्री चले जाओ, कितना ही तुम प्लान कर लो कि यार इस महीने में मैं ये कर लूंगा, मैं ऐसा कर लूंगा, ऐसा कर लूंगा, ऐसा कर लूंगा, कुछ भी नहीं होना. जितना प्लान करोगे ना उसको उल्टा होएगा, ये पक्का है. लाइक तुम प्लान करोगे एक साइड का और जो उसकी बिल्कुल अपोजिट साइड होगी ना जो वर्स्ट थिंग होगी वो हो जाएगी. और ऐसे ही सीखता है बंदा यहाँ पे. ये बस फैक्ट है, मेरे साथ खुद ऐसा हुआ कि जितना मैंने प्लान करा है ना सब कुछ उसके अपोजिट होया, बट बाद में ये भी अच्छा लगता है कि अच्छा यार इसका रीजन ये था तभी ऐसा होगा, वो बाद में पता लगता है. चलो बढ़िया, तो फिर लाइफ बढ़िया चल रही है. तो यार ऐसा भी होगा कि इस जर्नी में कभी लगा होगा कि यार मैं क्यों आ गई यहाँ पे, क्या एक्सपीरियंस चल रहा है, इस सब तो इंडिया ही सही था, आता है सबकी लाइफ में. तुम्हें ऐसा कब लगा, ऐसा कि ऐसी सिचुएशन आई कभी कि तुम्हें लगा हो कि बस मैं अब घर निकल जाऊँ बहुत हो गया यहाँ का? सो हाँ एज आई सेड कि अप्स एंड डाउन्स तो लाइफ में चलते रहते हैं, तो मेरे साथ पर्सनली ऐसे बहुत टेरेबल एक्सपीरियंसेस नहीं हुए हैं, बट मेरे फ्रेंड्स के साथ कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं एंड विच इज रिलेटेड टू हेल्थ केयर. तो कैनेडा का हेल्थ केयर सिस्टम आई वुड से इट्स अ नाइटमेयर एंड आई वुडंट प्रे एंड विश फॉर एनीबडी इवन माय वर्स्ट एनिमी कि किसी को ये चीज फेस करनी पड़े यहाँ पर. क्यों ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हेल्थ केयर तो हेल्थ तो बचाता है लोगों को, तुम चाह रहे हो कि मैं किसी के लिए प्रे भी नहीं करूंगी कि समवन शुड गो इन कैनेडियन हेल्थ केयर सिस्टम, ऐसा क्यों लाइक व्हाई? क्योंकि यहाँ पे है हेल्थ केयर क्राइसिस, दे डोंट हैव डॉक्टर्स, यहाँ पे डॉक्टर्स नहीं है, यहाँ पे नर्सेज नहीं है, यहाँ पे टेक्नीशियंस नहीं है, तो इवन देयर इज अ सिस्टम यहाँ पे. हमें इंडिया में क्या होता है या कोई भी होम कंट्री से आप आ रहे हो अपनी, वहां पे इट्स वेरी इजीली अवेलेबल, एवरीथिंग इज वेरी इजीली अवेलेबल. वहां तो यार गला खराब हुआ चलो केमिस्ट के पास स्कैल्पोल या पैरासिटामोल जो भी बोलिया फिर लिया खत्म, बट यहां पे तुम ऐसा नहीं ले सकते, यू नीड प्रिस्क्रिप्शन और समथिंग रिटन में. तो फर्स्ट थिंग आपको यहाँ पे बिना प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी मेडिसिन नहीं मिलते, दैट इज फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग की यहाँ पे एक हेल्थ कार्ड का सिस्टम होता है, तो जब आप आते हो जब व्हेन यू आर ऑन अ स्टूडेंट परमिट तो आप उस टाइम पे आपको हेल्थ कार्ड नहीं मिलता है. उस टाइम पे क्या होता है जब आपका कॉलेज होता है या आपकी यूनिवर्सिटी होती है वहां पे आपको इंश्योरेंस मिलता है, तो वो इंश्योरेंस जो होता है वो आपके सारे मेडिकल एक्सपेंसेस कवर करते हैं. बट जब आप वर्क परमिट पे कन्वर्ट हो जाते हो देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर हेल्थ कार्ड, तो उसपे मेजर जितना भी चंक होता है वो हेल्थ कार्ड पे कवर हो जाता है. बट अगर किसी को सीरियस कोई कंडीशन है या जैसे डेंटल है, विजन है, ये चीजें जो है वो हमारी हेल्थ कार्ड पे कैनेडा में कवर नहीं होती है. उसके लिए आपके पास इंश्योरेंस होना चाहिए. एंड सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उन लोगों को आती है यहाँ पे जो जैसे लेट्स सपोज किसी के पास जॉब नहीं है, तो अनलेस यू डोंट हैव अ जॉब आपको इंश्योरेंस नहीं मिलता है. अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो यहाँ पे डेंटल ट्रीटमेंट कराना, विजन ट्रीटमेंट कराना इट्स सुपर एक्सपेंसिव. वेट टाइम्स आर क्रेजी हियर. आप इंडिया में क्या होता है वॉक इन क्लिनिक में जाते हो या तो आधी से ज्यादा दवाइयों की, आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स की दवाइयां जो होती है वो तो हमारे केमिस्ट ही दे देते हैं वहां पे. बट यहाँ पे आप जाते हो डॉक्टर के पास तो एवरी सेकेंड इन द डे डॉक्टर या नर्सेस कोई ना कोई अवेलेबल होता है आपको टेक केयर करने के लिए.
बट यहाँ पे ऐसा है कि इतना वेट टाइम है कि आप नॉर्मल क्लिनिक पे जा रहे हो वहां पे भी मिनिमम 1 आवर आपको वेट टाइम एटलीस्ट आपको देना ही पड़ेगा. एंड देन यहाँ पे अगर आपके पास कोई बहुत आपके साथ कोई इमरजेंसी सिचुएशन होगी तो यहाँ पे इमरजेंसी में फिर आपको जाना पड़ता है, तो फिर उसके लिए आप हॉस्पिटल जाते हो. हॉस्पिटल्स का इट्स अगेन एज आई सेड बहुत खराब सिचुएशन है यहाँ पे. मिनिमम वेट टाइम हॉस्पिटल्स पे इज लाइक 5 to 6 आवर्स. तो यहाँ पे क्या होता है, हॉस्पिटल्स में देर आर डिफरेंट कोड्स. तो जैसे कोड ब्लू इज द हाईएस्ट रिस्कीएस्ट कोड. अगर आप कोड ब्लू में फॉल करते हो, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, तो ही वो आपको लाइक, बिकॉज कोड ब्लू मीन्स यू आर गोइंग टू डाई इन लाइक हाफ एन आवर, लाइक 1 आवर और 2 आवर्स मैक्सिमम. तो वो आपको पहले प्रायोरिटी देंगे. अदरवाइज आपको छोटा मोटा कट लग गया है या फिर आपको कोल्ड कफ हो रहा है, फीवर आ रहा है, दे डोंट केयर. 5 से 6 घंटे आपको वेट टाइम मिनिमम है वो देना ही पड़ेगा. ओके, यू मीन लाइक अगर किसी बंदे को हाथ पे कट लग गया, सपोज वो कुकिंग कर रहा है और उसको नाइफ लग गया, तो वो खून बेहतर है लाइक दे डोंट केयर बिकॉज दिस इज नॉट एन इमरजेंसी. और 6-7 घंटे के बाद उसका जब नंबर आएगा, सो देन ही विल बी, दे विल बी डायग्नोस्ड, राइट? यस. So that is crazy. अगर आपको इमरजेंसी में नहीं जाना, लेट्स से कोल्ड काफी हो रहा है और आपको कोई डॉक्टर को नॉर्मल चेकअप कराना है, तो आप अपने वॉक इन क्लिनिक में चले जाओ. यहाँ पे फैमिली डॉक्टर का भी कॉन्सेप्ट होता है, तो आप वहां पे चले जा सकते हो. लेट्स से कोई आपका डॉक्टर जो है वो आपको टेस्ट लिख रहा है, ब्लड टेस्ट कराना है या कुछ आपको एक्सरेज कराने है, सीटी स्कैन वगैरह करानी है, तो उसके लिए अगेन इट्स अ वेरी, बहुत वेट टाइम यहाँ पे है. तो अगर कोई नॉर्मल ब्लड टेस्ट कराने, तो ब्लड टेस्ट तो जनरली हो जाते हैं बट उनकी रिपोर्ट्स आने में 2 वीक लग जाते हैं. तो बंदा तब तक, उसको कुछ हो भी रहा होगा तो कुछ हो जाएगा, और नहीं हो रहा होगा तो वो सही भी हो जाता है. तो मतलब इन शॉर्ट तुम कह रहे हो कनाडा हेल्थ केयर से भाई डॉक्टर ना बचाए, भगवान बचाए. एग्जैक्टली. तो तुम यार अपने फ्रेंड का बता सकते हो लाइक पूरा केस क्या हुआ था और क्या क्या उनके साथ हुआ, एंड लाइक द होल एक्सपीरियंस. हालांकि मेरे को पता है थोड़ा सा बहुत अजीब सा होगा, बट स्टिल रियलिटी दिखाना इस पॉडकास्ट की जॉब यही है, मेरी जॉब यही है कि रियलिटी जो है वो दिखाना. क्योंकि मेरे को ऐसे कि किसी चीज को ना मोल्ड मत करो, ताकि तुम लोगों को ऐसे दिखो कि सब कुछ अच्छा है. हर चीज में कमी भी होती है, अच्छी चीज भी होती है. right. तो यही है कि जो है सच है, सबके आगे है. तो ये थोड़ा पर्सनल और थोड़ा सा यू नो बहुत डॉन्टिंग एक्सपीरियंस था, बिकॉज नोबडी वांट्स टू गो टू हॉस्पिटल. इट्स क्रेजी आउट देयर, राइट? आप जनरली भी आप किसी क्लिनिक पे भी जाते हो तो आपको वो एंजाइटी होती है, डर लगता है. तो मेरी फ्रेंड के साथ इट वाज नॉर्मल कोल्ड कफ फीवर, बट उसको इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था दैट शी हैड टू गो टू एन इमरजेंसी, बिकॉज कफ इतना, थ्रोट इन्फेक्शन वगैरह उसको इतना ज्यादा हो गया था कि ब्लड टेस्ट वगैरह सब करा लिए, एक्सरेज करा लिए, बट उसकी रिपोर्ट्स ही नहीं आई है 2 वीक तक. तो हम 2 वीक तक तो वेट नहीं कर सकते थे, राइट? सो वन फाइन इवनिंग आई वाज जस्ट सिटिंग एट होम, शी कॉल्ड मी दैट आई हैव टू गो टू हॉस्पिटल, आई एम नॉट फीलिंग वेल. तो फ्यू ऑफ आवर अदर फ्रेंड्स वी केम टुगेदर और हम लोग हॉस्पिटल गए. सो इट वॉज अराउंड 7 PM इन द इवनिंग, 7:30 के अराउंड हम लोग हॉस्पिटल पहुंचे. वहां जाके वो लोग हेल्थ केयर एंड हेल्थ कार्ड वगैरह लेते हैं और आपका थोड़ा सा डिटेल्स वगैरह पुट डाउन करते हैं. जैसे ही उन्होंने बेसिक अपना ड्यू डिलिजेंसेस किए, उसके बाद उन्होंने बोल दिया आप शांति से बैठ जाओ, आपको कुछ ज्यादा हो नहीं रहा है, कोल्ड कफ हो रहा है, मिनिमम वेट टाइम जो है वो 5 आवर्स है, उसके बाद हम आपको डॉक्टर आपको देखेगा. सो 5 आवर्स जो वेट टाइम है वो वेट टाइम वो है जिसमें उसके बाद आपको डॉक्टर मिलेगा. ओके, लाइक तुम गई सिचुएशन में सब कुछ हो रहा है लाइक पेशेंट जो है और वो बंदे कह रहे हैं कि तुम्हें अभी 5 घंटे तुम्हें वेट करना पड़ेगा फॉर द इनिशियल जो पहला चेकअप होगा. यस. तो उस बीच में लाइक 5 आवर्स इज अ लॉट ऑफ टाइम. एक तो अब पूरी रात हॉस्पिटल में इतने डिफरेंट लोगों के साथ, इतने खतरनाक केसेस भी आते हैं, हॉस्पिटल है तो बहुत सारे पेशेंट्स होते, तो आप घबरा जाते हो, राइट? तो उसके थोड़े बहुत टेस्ट वगैरह होना स्टार्ट किए, ब्लड टेस्ट वगैरह हो गए. सो इमरजेंसी में कॉन्सेप्ट यह है कि अगर आप वहां पे कोई जो भी टेस्ट हो रहे हैं उसकी रिपोर्ट्स वो लोग हाथों हाथ दे देते हैं लाइक विद इन एन आवर और सो. तो वो वहां पे टेस्ट वगैरह स्टार्ट हुए थोड़े बहुत. उसमें भी जब नंबर आ रहा था तो 1 घंटे का वेट वहां पे, फिर एक्सरे हो रहे तो 2 घंटे का वेट वहां पे. और दिस इज अनदर थिंग कि आफ्टर 12:30 यहाँ पे टेक्नीशियंस होते ही नहीं है, तो जो एक्सरे करने वाला टेक्नीशियन है वो नहीं मिलेगा. तो रात को 12 बजे से लेके सुबह 9 बजे तक अगर आपको कुछ हो रहा है
और कुछ टेस्ट है तो वो नेक्स्ट डे ही होंगे आपके. तो मतलब भगवान करे कुछ हो तो दिन में हो रात में ना हो यहाँ पे. यस. तो आई हैड लाइक एक फ्रेंड के साथ ऐसा भी केस हुआ था कि टेक्नीशियन ही नहीं है तो हमें पूरी रात वेट करना पड़ा कि उसका टेस्ट हो जाए, उसका सिटी स्कैन वगैरह जो भी होना था वो. तो नेक्स्ट डे सुबह जाके 11 बजे हमारा नंबर आ रहा है कि वो टेस्ट अब होगा क्योंकि टेक्नीशियन तब आया है. ओके. तो ये भी एक अलग सिचुएशन है. बट थैंकफुली 12:30 बजे रात के उस टाइम के पहले तक उसके सारे टेस्ट वगैरह हो गए थे. टेस्ट हो गए हैं, रिपोर्ट्स आ गई हैं. नाउ जब तक डॉक्टर आपको चेकअप नहीं करेगा यू कांट लीव द हॉस्पिटल, क्योंकि जो भी डिटेल्स होती है डॉक्टर जो भी आपका प्रिस्क्रिप्शन लिखता है या फिर जो भी आपका मेडिकेशन लिखेगा वो आपके हेल्थ कार्ड पे शो होगा. तो डॉक्टर को दिखाना भी इट्स सुपर इम्पॉर्टेंट, उसके बिना आप जा नहीं सकते हॉस्पिटल. तो अनदर टू टू थ्री आवर्स हम लोग सिर्फ डॉक्टर का वेट कर रहे थे. तो अराउंड 2:33 इन द मॉर्निंग हमें हो चुका था ऑलरेडी. फिर डॉक्टर आया, डॉक्टर ने चेकअप किया, एनी मेडिकेशंस उन्होंने मेरी फ्रेंड को कोई प्रिस्क्रिप्शन कोई मेडिकेशन कुछ भी नहीं दिया. बोला टाइलेनॉल ले लेना और अगर कुछ नहीं लगता है तो फिर 2 दिन बाद वापस आ जाना. ये चेकअप किस चीज का था? इससे तो मेरे केमिस्ट बता देते हैं इंडिया के. एग्जैक्टली. और हमारी एक्चुअली आदत भी वही होती है राइट, कि हमें जरा सा पेन होता है हम तुरंत पेन किलर ले लेते हैं और हमें ऐसा होता है कि हाफ एन आवर में हमारा पेन ठीक हो जाए. बट यहाँ पे वैसा कॉन्सेप्ट नहीं है. यहाँ पे डॉक्टर्स जो होते हैं बिना मतलब के आपको कोई मेडिकेशंस नहीं देंगे. कोई अगर आपको बहुत ही ज्यादा जरूरत है तभी आपको यहाँ पे डॉक्टर्स जो है कुछ मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करते हैं, अदरवाइज कोई मेडिकेशन नहीं मिलता. यहाँ पे डॉक्टर्स ये बिलीव करते हैं कि आप अपने आप ठीक हो जाओ वो बेटर है. So you mean ki you guys waited for entire 5 hours just for one Tylenol? Yes. Approximately 7-8 hours हमने पूरा हॉस्पिटल में स्पेंड किया. And then around 4 in the morning हम लोग अपने अपने घर पहुंचे. अपने तो मेरे को गुप्ता केमिस से याद आ रहे हैं. सबसे बढ़िया वो है, जाओ एक सेकंड में लो. yes. जो तुम्हें हो रहा है वो सेकंड में बता देते, शक्ल देख के चलो आपके पेट खराब है, येलो गोली चलो जी दो खाओ खत्म और ठीक. yes. तो यहाँ पे डॉक्टर मतलब ये बिलीव करते हैं कि तुम खुद ही ठीक हो जाओ. Yes. वो ज्यादा अच्छा है. और मुझे समझ नहीं आ रहा हूँ इसलिए बिलीव करते हैं कि साफ ही नहीं है. पहली बात तो यहाँ पे स्टाफ नहीं है. यहाँ पे एज आई मेंशन यहाँ पे लिटरली इतने क्राइसिस है हेल्थ केयर को लेके कि यहाँ पे डॉक्टर्स भी नहीं है. आई स्टिल रिमेम्बर दैट डे हम लोग रात में वहाँ पे हॉस्पिटल में बैठे हुए एंड 8th floor पे अराउंड 100 patients होते हैं. 100 patients के बीच में सिर्फ एक नर्स काम कर रही है. तो आप सोचो कि वहां पे है ही नहीं, संभालने वाला ही नहीं है. एंड नॉट इवन आप चलो ठीक है आपका अगर आप बहुत आपको कोई डिफिकल्ट मेडिकल कंडीशन है तो आपको कोई प्राइवेट रूम. हमारे यहाँ तो क्या होता है इंडिया में या कहीं पे भी हमें प्राइवेट रूम मिल जाता है, डॉक्टर्स एडमिट कर लेते हैं. वहां पे तो रूम्स भी अवेलेबल नहीं है. तो बंदा कहाँ वेट करता है? लॉबी में. लॉबी में यहाँ पे कॉरिडोर्स में लोग स्ट्रेचर पे लेटे हुए हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, लोगों को देखने के लिए कोई है नहीं. तो दैट वॉज अ नाइटमेयर. जब इंडिया में थे तो ऐसा लगता था कि नॉर्थ अमेरिका तो भाई ऐसा होएगा कि वहां पे तो परियां ऐसे सब कुछ स्वर्ग होगा, ऐसे हेवन टाइप ना पूरा कि सब कुछ अच्छा चल रहा होगा. बट लिटरली व्हेन यू कम हियर व्हेन यू नो द एक्सपीरियंसेस फ्रॉम अदर्स इंडस्ट्रीज का पता लगता, तब पता लगता है कि नहीं. yes. काफी चीजें इंडिया में भी अच्छी है ऐसे नहीं बोल सकते. और क्योंकि वहां से लगता है कि सब कुछ वहीं पे खराब है, बाहर सब कुछ अच्छा है. बट यहाँ के पता लगता है कि हाँ कुछ चीजें यहाँ की अच्छी है कुछ चीजें वहां की अच्छी है. लग रहा है ऐसा कोई देश बन जाए ऐसा कोई. yes. जिसमें सारी अच्छी चीजें रख दो, सारे इमिग्रेंट्स को वहां पे शिफ्ट कर दो, वो सबसे बेस्ट है. ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है. हम जब दूसरी जगह होते तो हमें लगता है द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड. बट हर जगह के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं. सो या मैं सबको यही बोलना चाहती हूँ कि थोड़ी बहुत तो चलता रहता है, जुकाम खांसी हो गया फीवर हो गया दैट इज स्टिल मैनेजेबल. बट समबडी हु हैज सीरियस मेडिकल कंडीशन जिन्हें टाइम टू टाइम डॉक्टर्स अटेंशन चाहिए आई वुडंट सजेस्ट देम टू कम हियर टू कैनेडा स्पेशली बिकॉज ऑफ द हेल्थ केयर सिस्टम. बिकॉज आपको यहाँ पे डॉक्टर्स नहीं मिलेंगे. आपको अगर इमीडिएट अटेंशन चाहिए, इमीडिएट आपको डॉक्टर चाहिए तो इट्स वेरी डिफिकल्ट हियर. और स्पेशली फॉर सीरियस मेडिकल कंडीशंस जो जिनको है आई विल. एंड वेदर ऑल्सो प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन दिस क्योंकि यहाँ पे वेदर कंडीशंस भी बहुत एक्सट्रीम है. तो जिनको वेदर कंडीशंस अफेक्ट करती है उनके लिए भी ये बहुत एक सोचने वाली चीज है कि उनको कनाडा मूव होना है कि नहीं. सो गाइस यहाँ पे 3 बातें हैं. पहली बात तो ये जिनको भाई एक्सट्रीम कुछ भी डिजीज है इमीडिएट अटेंशन चाहिए डॉक्टर्स की भाई मत आओ.
इंडिया में रहो, बेस्ट है. दूसरा ये, अगर तुम्हें आना भी है ना तो प्रे करो दिन में हो जाए जो कुछ होना है, रात में ना हो. और तीसरी ये, आ भी रहे हो ना तो भाई कोर्स चूज करो हेल्थ का, पीआर में मिलेगी, जॉब में मिलेगी, क्योंकि ऑब्वियसली अगर तुम कह रहे हो कमी है यहाँ पे तो ऑब्वियसली इसमें लोग चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना, उसके लिए क्या लगेगा, ह्यूमन रिसोर्स. और तो फिर भाई सबसे बेस्ट है यहाँ पे लो कोर्स तुम हेल्थ का, हेल्थ केयर में जाओ, पीआर लो, जॉब भी लो. और कम से कम ये भी अच्छा हो जाएगा कि 100 लोगों के लिए एक नर्स नहीं होगी, फिर बहुत सारी हो जाएंगी. तो जितने भी लोग आ रहे हैं इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना, बिकॉज तुम्हारी बहुत हेल्प होगी इससे, जो मेरे को लगता है, जो मेरे को सारा सिचुएशन समझ आ रही है. बिकॉज हेल्थ केयर का मेरा इतना एक्सपीरियंस रहा नहीं पर्सनली, वो बहुत अच्छी बात है, मैं शुक्र मनाता हूँ कि नहीं रहा और रहना भी नहीं चाहिए. बट या मैंने भी सुना है ये सारी चीजें, और आई एम ग्लैड कि तुमने हर चीज बताई जैसी है यहाँ पे. बिकॉज कई लोग ना बहुत ज्यादा फिल्टर करते हैं, अच्छा ही दिखाते हैं, बट ऑब्वियसली हर चीज अच्छी नहीं होती. एंड बात करना बहुत जरूरी है, चाहे कोई भी चीज है, अच्छी है, गंदी है, बढ़िया है. और अभी हेल्थ केयर का बोल रहे, इतने क्राइसिस है यहाँ पे. और इंडिया में तो क्या होता है कि अगर आपको मेडिकल की पढ़ाई करनी है तो आपका आपका आपकी जो बैकग्राउंड होता है, राइट, आपका जो नीव जो होती है आपकी, आप मेडिकल से ही स्टार्ट करते हो, आप सब्जेक्ट्स बायोलॉजी लेते हो एंड देन यू स्टार्ट योर करियर लाइक दैट. यहाँ पे ऐसा है कि आप कुछ भी पढ़ाई करके आए हो, यहाँ पे अगर आप एक सर्टिफिकेशन या एक लाइसेंस अगर आप ले लेते हो, यू गेट एलिजिबल, आप उस चीज में आप अपना करियर बना सकते हो. तो यहाँ पे एज कंस्ट्रेंट वगैरह नहीं है, विच इज ऑल्सो अ गुड थिंग एज वेल, कि अगर आपको करियर चेंज करना है तो आप कर सकते हो. बट ऑफकोर्स उसमें एक टेंशन भी होता है, क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि वो डॉक्टर या जो मुझे चेक कर रहा है वो उतना एलिजिबल भी है कि नहीं. मुझे नहीं पता कि इस डॉक्टर को पता भी है कि नहीं, बिकॉज ऐसा एक केस हुआ है, I have a family friend जिनके साथ सिमिलर काइंड ऑफ अ केस हुआ था. एंड डॉक्टर्स को यहाँ पे पता ही नहीं है, वो कुछ भी मेडिकेशन दे देते हैं यहाँ पे जो एक डायबिटिक पेशेंट को नहीं देना चाहिए. उन्होंने वो मेडिकेशन दे दिया जिसकी वजह से उनकी डायबिटीज एकदम इंक्रीज हो गई, तो वो हेल्थ पे बहुत एडवर्स इफेक्ट आ गया था उनकी. और वो डायबिटीज डिक्रीज कराने गई थी, लाइक कंट्रोल करने गई थी, उनको कंट्रोल था उनका, उनके और भी मेडिकल कंडीशंस थे, शी वाज एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल एंड एवरीथिंग. भाई इससे अच्छा तो बंदा घर पे बैठा है, बिकॉज़ जो चीज तुम ठीक कराने गए हो वही एक्सट्रीम पे जा रही है. एग्जैक्टली. तो यहाँ पे एक चीज ये है कि कोई भी मेडिसिन अगर डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर रहा है, दैट्स माई पर्सनल सजेशन टू एवरीबडी, कि पहले वो प्रिस्क्रिप्शन को या तो आप अपने फैमिली डॉक्टर जो आपके इंडिया में उनसे चेक करा लो, क्योंकि वो आपको जानते हैं, आप हमेशा से उनको दिखाते हो तो दे नो योर हिस्ट्री एज वेल. और हमेशा चेक कर लो कि ये मेडिसिन इस बीमारी के लिए, इस हेल्थ कंडीशन के लिए सही भी है कि नहीं. जस्ट डू अ सिंपल गूगल, आपको आजकल गूगल पे तो वैसे भी सब कुछ मिल ही जाता है. तो दैट्स व्हाट, अगर मुझे भी कुछ हो रहा है या नॉर्मल अगर फीवर वगैरह भी है या कुछ भी है, इफ डॉक्टर प्रिस्क्राइब मी समथिंग, आई ऑलवेज चेक कि आई एम टेकिंग द राइट मेडिकेशन. ये थोड़ा सा ना मेरे को बड़ा अजीब सा लग रहा है, बिकॉज गूगल पे विश्वास करना नहीं चाहिए, जो हमने सीखा है बचपन से. क्योंकि गूगल पे लिखो ना आई एम कफिंग, सीधा जाता है थ्रोट कैंसर है तुम्हें, बंदा सोचता है मैं खत्म होने वाला हूँ एक घंटे में. ऑब्वियसली गूगल पे सर्च ऐसे होते हैं. और तुम कह रहे हो कि डॉक्टर जो यहाँ पे दवाई दे, पहले उसको गूगल से कंफर्म कर लो. यस. तो ये एक्सपीरियंस जो मेरे, ये मुझे सजेशन मेरे जो फैमिली फ्रेंड है उन्होंने दिया कि जो भी मेडिकेशन दे रहा है डॉक्टर प्लीज चेक कर लो. एंड अब तो ऐसा हो गया कि इफ आई एम लाइक, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि फैमिली डॉक्टर का कॉन्सेप्ट होता है. तो यहाँ पे फैमिली डॉक्टर का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि अगर आपको, लेट सपोज आपको कोई स्पेशलिस्ट को दिखाना है, लेट्स से डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना है, तो यहाँ पे जब तक आपका फैमिली डॉक्टर आपको रेफर नहीं करेगा, आप डायरेक्टली उस डॉक्टर के पास, उस स्पेशलिस्ट के पास नहीं जा सकते हो. बी इट डेंटल, बी इट विजन, या कोई आपको स्किन डिजीज है, या कोई भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को आपको अगर दिखाना है तो आपको फैमिली डॉक्टर रेफरेंस चाहिए. जॉब पे तो रेफरेंस था ही, जॉब पे पहले रेफरेंस नहीं मिल रहा लोगों को, अब डॉक्टर के लिए भी रेफरेंस चाहिए उनको. लाइक फैमिली डॉक्टर रेफर करेगा तो मैं दूसरे डॉक्टर को, तब भी वो तुम्हारा चेक करेगा. एग्जैक्टली. एंड उसमें भी एज आई मेंशन्ड वेट टाइम्स आर क्रेजी. तो अगर आपको कोई स्पेशलिस्ट, लेट्स से कोई आई डॉक्टर को दिखाना है तो यहाँ पे दो दो महीने का वेट टाइम है. डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना है तो मिनिमम वेट टाइम है 6 months हियर. तो यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. तो इवन अगर आप फैमिली डॉक्टर जो अपना रजिस्टर कर रहे हो, आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा सा आप उनके बारे में देख लो, उनकी डिटेल्स जो यहाँ पे हेल्थ की या हेल्थ केयर वेबसाइट जो होती है आपको मिल जाती है वहां पे, कि डॉक्टर ने कहाँ से पढ़ाई करी है, क्या है, तो आपको आइडिया लग जाता है कि उसको, उस डॉक्टर को कितना एक्सपीरियंस है. तो जब मैंने मेरा फैमिली डॉक्टर रजिस्टर किया था तो मैंने ये चीज जरूर चेक करी थी कि वॉट बैकग्राउंड दे आर कमिंग फ्रॉम. एज एफ
शेड राइट, यहाँ पे इतना हेल्थ क्राइसिस है. अब एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट क्वांटिटी, यहाँ पे क्वालिटी का भी इशू है. तो मैंने जैसे बोला कि आपको चेक करना पड़ता है कि डॉक्टर का बैकग्राउंड क्या है एंड एवरीथिंग. तो एक केस ऐसा हुआ था, नॉट समबडी आई नो पर्सनली, बट मुझे किसी के थ्रू पता चला था कि किसी के साथ वर्क प्लेस पे ऐसा हुआ था कि तो दैट पर्सन, उन्हें कुछ 6-7 months से बैक पेन का इशू था. डॉक्टर्स वर लाइक ओके पेन किलर ले लो सही हो जाएगा, पेन किलर ले लो सही हो जाएगा. बट देन इट वॉज समथिंग एल्स. उनका जब वो अपने होम कंट्री में गए, उन्होंने वहां चेकअप कराया, तो डॉक्टर्स ने बोला कि ये इनको स्टोन्स हो रखे हैं, इट्स अ किडनी स्टोन. तो उसकी वजह से उनको बैक में इतना प्रॉब्लम हो रहा था. अभी यहाँ पे ऐसा है कि 6-8 months डॉक्टर ने ऐसे ही निकाल दिए, नो टेस्ट नथिंग एट ऑल. वहां पे उन्हें आज पता चल रहा है 2 दिन बाद उनकी सर्जरी भी हो गई है. ओके, इतना फर्क है. मतलब यहाँ पे तो लाइक टेम्परेरी, उन्हें कह रहे हैं कि भी टेम्परेरी खत्म हो जाए चीज, बट वो चीज इतनी बड़ी बन गई वो किडनी स्टोन ही बन गया. एग्जैक्टली. एंड आई थिंक यहाँ पे ऑपरेशन के लिए आई थिंक बहुत ज्यादा वेट टाइम होता है, 6-7 months का आई थिंक मिनिमम वेट है. अगर आपको डायग्नोस हो भी जाता है कि आपको ये इश्यू है, तो यहाँ पे सर्जरी रजिस्टर करने में ही आपको मिनिमम वेट टाइम है 6-7 months. तो उतने टाइम में तो आपकी सिचुएशन वर्स हो सकती है, या तो फिर आप अपनी होम कंट्री में जाके सही करा लो ना. इतना आपको जब पता चल जाता है कि आपके साथ कुछ प्रॉब्लम है, तो आपसे भी वेट नहीं हो सकता. तो बेटर है कि आप अपने कंट्री में जाओ, वहां पे लोग जनरली ऐसा करते हैं यहाँ पे. तो दैट इज अनदर आई वुड से डार्क साइड ऑफ कनाडा व्हिच नॉट मेनी पीपल नो, बट जब आप खुद यहाँ पे देखते हो तो आपको पता चलता है. वही यार, मैं सोचता हूँ इसकी बात ही नहीं होती है इतनी ज्यादा. yes. पता नहीं, मेरे को नहीं समझ आता. वैसे कनाडा की बात होती है, एक बंदे को हर चीज पता है, एक हेल्थ केयर इज फ्री इन कनाडा, हेल्थ केयर इज फ्री इन कनाडा. बट जो वो फ्री है उसमें तो मैं सर्विसेज क्या मिल रही है उसकी कोई बात ही नहीं करता. और फ्री है क्योंकि इसलिए भी यहाँ पे लोग टैक्स भी इतना भर रहे हैं. एग्जैक्टली. ऐसे फ्री नहीं है वो कि उनका मन है कि चलो मैं फ्री कर देता हूँ. exactly. यहाँ पे तुम 40-30% टैक्स भर रहे हो और उस टैक्स का तुम्हारा पूरा पैसा लग रहा है. और चलो फ्री भी है, बट जो तुम्हें सर्विसेज मिल रही है वो तो यार वर्स्ट है. फिर तो देखा जाए वर्स्ट है. एंड अगेन यहाँ पे जैसे इंडिया में नहीं होता है कि हमें हर नॉर्मल सा भी कुछ फीवर है तो डोलो ले लो, पैरासिटामोल ले लो. यहाँ पे डॉक्टर्स के पास कुछ नहीं होता, टाइलेनॉल ले लो, एडविल ले लो, यही 2 दवाइयां इनके पास है. सबको वो दे देते. आपको मेंटल स्ट्रेस है तो आप टाइलेनॉल ले लो, आपको फीवर है तो आप टाइलेनॉल ले लो. सो इट्स लाइक दैट हियर. मैंने बहुत लोगों से ये चीज सुनी है. और यहाँ पे एक बहुत ना नोशन बन गया है डॉक्टर्स का भी कि कुछ भी आपको हो रहा है, डॉक्टर्स थिंक कि इट्स ऑल बिकॉज ऑफ स्ट्रेस. ऑफ कोर्स स्ट्रेस प्लेज अ वेरी बिग पार्ट इन आवर हेल्थ इन आवर बॉडी, बट नॉट एवरीथिंग इज जस्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रेस इज व्हाट आई बिलीव. सबके साथ अलग अलग इशू हो सकता है. स्ट्रेस से बहुत सारी चीजें होती है, बहुत प्रॉब्लम्स होती है बॉडी में. बट अगर किसी को इंटरनल प्रॉब्लम है वो स्ट्रेस से नहीं है, तो भी डॉक्टर्स को ऐसा लगता है आपको बैक पेन हो रहा है, स्ट्रेस की वजह से हो रहा होगा. आपको पैरों में दर्द हो रहा है तो स्ट्रेस की वजह से हो रहा होगा. स्ट्रेस तो यहाँ पे किसको नहीं है. एक बंदा बता दो जिसको भाई 12 दिन का स्ट्रेस नहीं है. Exactly. और इंडिया में भी सबको स्ट्रेस है यार. लाइफ इज ऑल अबाउट स्ट्रेस. राइट. अगर लाइफ में स्ट्रेस नहीं तो मजा ही आएगा. फिर तो सब कुछ होता है, आराम से बैठो मजे लो. आपको फीलिंग नहीं होगा फिर तो. फिर तो वही तो है ना. फिर तो क्या ही करना है भाई. स्ट्रेस किस लिए है. पैसा कमाना है, फैमिली के साथ रहना है, सारी चीजें करनी है. फिर बाकी सारी चीजें आने जाने वाली, प्यार धोखा वोखा दोस्ती में सारी चीजें, लड़ाई दोस्ती, स्ट्रेस सब कुछ. स्ट्रेस ही तो है यार. Exactly. तो यहाँ पे एंड विच इज ऑल्सो गुड कि मेंटल हेल्थ पे अभी लोग बहुत ज्यादा ध्यान देने लगे हैं, विच इज बिकम अनदर बिग थिंग. Not just in Canada or in abroad countries, but everywhere right now. But yes, as I've mentioned, but यहाँ पे doctors को लगता है कि सब चीजें stress की वजह से ही हो रही है, which is I don't think it's the right decision to make. भाई सही में मेरे को डर लग रहा है सही में सारी चीजें सुन के ना. क्योंकि मैं तो कभी pray नहीं करूंगी कि किसी को भी यहाँ का healthcare system देखना पड़े. Because मेरे फ्रेंड्स के साथ या मेरे इतने नोन लोगों के साथ ही इतने केसेस हो गए कि यहाँ पे इट्स एक्चुअली अ नाइटमेयर हियर. तो भाई हेल्थ की बातें सुन के तो भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा. बस यही समझ आ रहा, भगवान से ये प्रे कर रहा हूँ कि किसी को भी हॉस्पिटल यहाँ तो ना जाना पड़े. जाना भी पड़े तो चलो ऐसा कुछ हो जाए कि इंडिया में तुमने इलाज करा लिया, यहाँ पे आराम से रहो. बट या मैं यही चाहूंगा कि धीरे 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 यहाँ पे सिचुएशन इंप्रूव हो जाए, जो कि सबके लिए कलेक्टिवली अच्छा भी. और मेरे को पता है गवर्नमेंट इस पर काम कर भी रही होगी, इस पर चल रहा होगा. और लोग जैसे जैसे आएंगे वो हेल्थ केयर में जाएंगे, अपनी अपनी जितनी भी टेक्नोलॉजी आ रही है, इनोवेशन आ रही है, उसको लगाएंगे ताकि सब कुछ अच्छा हो जाए इन होल. तो तुम्हारी अब जर्नी जो भी पूरी थी जिसमें हमने सब कुछ डिस्कशन करा,
कोई ऐसी एक एडवाइस जो तुम देना चाहोगे जो लोग यहाँ पे अभी हैं, चाहे वो पीआर है, वर्क परमिट है, वर्क परमिट पे है, स्टूडेंट पे है, या फिर वो आना चाहते हो, तो व्हाट वुड बी दैट फॉर, अगर तुमसे पूछा जाए अबाउट द एक्सपीरियंस दैट यू हैड हियर? आप कहीं पे भी रहो, इंडिया रहो, कनाडा रहो, यूएस रहो, ऑस्ट्रेलिया, वेयर एवर यू आर, आपको वो कम्फर्ट जोन से जब तक आप बाहर नहीं निकलोगे आप लाइफ में वो अचीव नहीं कर सकते हो. आपके आपको अगर आपके ड्रीम्स अचीव करने हैं, कहीं पे पहुंचना है, तो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा. मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये चीज कह रही हूँ कि मुझे आज भी वो दिन याद है, 3 साल पहले जब मैं अकेले आई थी विद 3 bags इन माई हैंड एंड आई हैड नोबडी टू कम टू पिक मी एट द एयरपोर्ट. तो वो दिन से लेकर और आज जो मेरी जर्नी है, मुझे ऐसा लगता है अगर मैंने वो दिन वो रिस्क नहीं लिया होता, वो फाइट नहीं मारा होता, वो चीजें, वो पूरी जर्नी अपने मन में सोची नहीं होती कि मुझे ये अचीव करना है, वो सपने नहीं देखे होते, तो आज शायद मैं यहाँ नहीं होती. सही में यार, तुम बिल्कुल इस पॉडकास्ट में नहीं होते क्योंकि देखो तुम्हारी जर्नी से तुम इस पॉडकास्ट पे आए हो आज. बट यार जोक्स अपार्ट, लिटरली बहुत मजा आया फ्रॉम योर स्टडी टू एजुकेशन एंड कमिंग फ्रॉम अ टाउन कोटा से, तुम राजस्थान से यहाँ पे आना With 3 suitcases in your hand at the airport, और कोई तुम्हें लेने भी ना, जो भी सबके साथ होता है सब प्रॉमिस करते हैं. बट हाँ गाइस, जो तुम्हें दोस्त एयरपोर्ट पे लेने उसको भी भूलना मत कनाडा में, क्योंकि प्रॉमिस बहुत करते लेने कोई नहीं आता. रिश्तेदार तो खास कर उनको तो कभी बिलीव मत करना, क्योंकि जो दूर के मामा होते हैं ना वो हमेशा कॉल पे बोल देते हैं इंडिया में कि हम आएंगे आएंगे, बट कोई नहीं मिलता. ये सबके साथ होता है. और ऑब्वियसली लाइक एजुकेशन लोन, फिर यार पीआर इतनी जल्दी हो जाना, लाइक यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर मैनी गर्ल्स आउट देयर और मैनी पीपल जो लोग अभी एजुकेशन लोन पे हैं, जिनको लगता है हम अपना लोन पूरा नहीं कर सकते, एंड यू डिड दैट इन जस्ट 8 months. सो अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दैट फॉर श्योर. और वो तुम्हारी मेहनत है, क्योंकि कहना बहुत इजी 8 महीने में लोन पूरा कर दिया, और तुमने सेक्रीफाइस कितने करी होंगे उसकी विषय, लाइक तुमने हो सकते रात को खाना छोड़ा हो, तुम्हारे फ्रेंड्स कहीं घूमने जा रहे होंगे तुम नहीं गए होगे, तुम्हारा मन होगा ये कोई चीज करने का बट तुम्हें दिख रहा होगा यार 100 डॉलर बच रहे, रहने देती हूँ, क्योंकि ये जो डिसीजन है ना यार पैसे सेव करने का, उस टाइम में तो बड़ा मजा आता है फॉर द टेम्परेरी हैप्पीनेस, बट अगर तुम उस टाइम पे सेव कर लो देन यू फील गुड फॉर द परमानेंट, जो तुम्हारा गोल होता है ना, तुम आपको वो मीट हो जाता है. सो रियली गुड ऑन डेट पार्ट. फिर उसके बाद हेल्थ केयर के बारे में इतनी सारी चीजें डिस्कस हो गई उसमें, तो भाई मैं खुद ही डर गया हूँ. तो प्रेइंग फॉर एवरीवन, हाँ मतलब ऐसा प्रेइंग फॉर एवरीवन ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही खराब है, चल रहा है धीरे धीरे सब चीज ठीक हो जाती है, लेट्स प्रे फॉर दैट. बाकी बहुत मजा आया इस पॉडकास्ट में एंड आई होप जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं, जितने भी लोग यहाँ पे, जितने लोगों को कनाडा आना या कोई भी कंट्री जाना, दे वुड हैव एंजॉयड इट फॉर श्योर. और अगर तुम लोगों को मजा आया तो प्लीज कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना. और इसी के साथ अब मिलेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में. तुम्हें पॉडकास्ट कैसे लग रहे हैं, डू गिव योर फीडबैक इन द कमेंट्स. तो इसी के साथ टाटा बाय बाय, शबा खैर, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में.